Assalamu alaikum student, I am Sir Abdul Asif, your computer teacher. Welcome to all of you online classes. सबसे पहले आप अपनी कॉपी पे फ्रंट पेज पे अपना नेम लिखेंगे, देन सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्लास लिखेंगे, फिर सेक्शन लिखेंगे. इसके नेक्स्ट पेज पे आप इंडेक्स बनाएंगे, कम से कम दो पेजेस का इंडेक्स बनाएंगे. इंडेक्स में आप टोटल पांच कॉलम बनाएंगे. पहले कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरे में डेट, थर्ड में टॉपिक, फिर पेज नंबर, फिर टीचर सिग्नेचर. ये कम से कम दो पेजेस का इंडेक्स बनेगा. इसके बाद आप नेक्स्ट दो पेजेस के इंडेक्स के बाद आप फर्स्ट टर्म मंथ ऑफ जून का टाइटल पेज बनाएंगे. इस टाइटल पेज के बाद आप अपने नेक्स्ट पेज पे कॉपी के चैप्टर नंबर वन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का टाइटल पेज बनाएंगे. इस टाइटल के पेज के बनाने के बाद आप लोग जो काम दिया जाएगा वो करेंगे नेक्स्ट पेज से. अभी हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, चैप्टर नंबर वन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में. हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर. तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन फॉर्म ऑफ प्रोग्राम एज इनपुट, process the data according to the given instructions and produce information as output. यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को एक्सेप्ट करती है, यानी डेटा को लेती है एंड इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शंस को लेती है इन फॉर्म ऑफ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम्स की शक्ल में, एज इनपुट जो हम उसको इनपुट देते हैं. प्रोसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन, और डेटा को प्रोसेस करता है जो हमने इसको इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं उसके मुताबिक. एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन एज आउटपुट, और वो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है एज आउटपुट, यानी जो स्क्रीन पे या प्रिंट की सूरत में हमें मिलेगा उस डाटा को प्रोड्यूस करता है. इसके बाद हमारे पास चीज थी हार्डवेयर, यानी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्डवेयर. ऑल द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर एंड अटैच्ड इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आर कॉल्ड हार्डवेयर. तमाम वो चीज़ें जिनको आप फिजिकली तौर पर टच कर सकते हो वो आपकी कंप्यूटर की हार्डवेयर कहलाती हैं, चाहे वो इनपुट डिवाइसेस हों चाहे वो आउटपुट डिवाइसेस हों. इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो डाटा को इंटर करती हैं, और आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो डाटा को बाहर दिखाती हैं स्क्रीन पे या प्रिंट की फॉर्म में या आवाज़ की सूरत में हमें सुनती हैं. दीज इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल पार्ट्स. ये इक्विपमेंट कंसिस्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल पार्ट्स में विच परफॉर्म एक्चुअली प्रोसेसिंग एंड वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, जो असल में कंप्यूटर को वर्क करवाने पे काम करती हैं. यानी कीबोर्ड जो है जब हम उसका बटन प्रेस करते हैं तो वो मैकेनिकली प्रेस होता है, लेकिन जो आगे शिफ्ट होता है उससे इंफॉर्मेशन जो जाती है कंप्यूटर को वो इलेक्ट्रॉनिकली तौर पर जाती है. इसी तरीके से जो माउस होता है उसका भी यही वर्किंग है, जब हम उसके क्लिक करते हैं तो क्लिक मैकेनिकली हो रहे हैं, लेकिन जो उसके अंदर डाटा प्रोसीड हो रहा है वो सारा इलेक्ट्रॉनिकली तौर पे हो रहा होता है. ये कुछ हार्डवेयर हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ. ये स्क्रीन जो है ये भी हार्डवेयर है. सिस्टम यानी सीपीयू जिसको हम कहते हैं सिस्टम यूनिट, ये भी हार्डवेयर है. स्पीकर ये भी हार्डवेयर है. माइक्रोफोन ये भी हार्डवेयर है. माउस ये भी हार्डवेयर, कीबोर्ड ये भी हार्डवेयर, यानी सब चीज़ों को हम टच कर सकते हैं. इसके अलावा अगर प्रिंटर लगा हुआ है तो वो भी हार्डवेयर में ही आता है. इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक था वो था सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर इज अ जनरल टर्म यूज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम. सॉफ्टवेयर एक ऐसा लफ्ज है जो आमतौर पर कंप्यूटर के प्रोग्राम्स के लिए यूज किया जाता है. अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ प्लान्ड बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. असल में कंप्यूटर प्रोग्राम जो होते हैं वो एक सेटअप होता है जो प्लान किया जाता है इंस्ट्रक्शंस के लिए कि कंप्यूटर ने कब कोई काम कब करना है और कैसे करना है. सॉफ्टवेयर मेक कंप्यूटर यूजफुल. सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर को यूजफुल करते हैं. अगर कंप्यूटर में विंडो नहीं है तो कंप्यूटर आपका ऑन ही नहीं होता, यानी ऑन हो जाता है लेकिन वो आगे चलता नहीं है, वो एरर देता है कि इसमें विंडो नहीं है. तो विंडो भी एक सॉफ्टवेयर है, उसकी एग्जांपल है. कुछ ये सॉफ्टवेयर की पिक्चर्स मैंने लगाई हैं. ये अडोब एक्रोबिट रीडर है, ये मीडिया प्लेयर है, ये फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और ये विंडो है. यानी इन
सॉफ्टवेयर के थ्रू ही आप काम इजीली कर सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई एप्लीकेशन टाइप करनी है तो अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या दूसरा वर्ड है तो आप उस पर टाइपिंग कर सकते हो लेटर या एप्लीकेशन, उसके अलावा आप नहीं कर सकते। इट्स मीन कि जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं ये कंप्यूटर को यूजफुल करते हैं, कंप्यूटर को ईजी कर देते हैं चलाना। अब ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर वन है राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, और क्वेश्चन नंबर टू है राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो मैंने आपको अभी लेक्चर में डेफिनेशन बताई हैं आप उन्हीं को लिखेंगे। बस आप ये क्वेश्चन लिखेंगे अपनी कॉपी में राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर की टॉपिक था यानी व्हाट इज कंप्यूटर जो था उसकी जो डेफिनेशन है वो आप इसके लिए लिखेंगे। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जो डेफिनेशन दी थी वो आप इसमें लिखेंगे। ये आपने अपना काम कॉपीज में करना है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।